वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है सावन का पहला सोमवार। वैसे सावन का मंथ तो स्टार्ट हो गया था, बट सावन का आज पहला सोमवार ना आज पड़ा हुआ है। तो बस आज मैंने भी ना पूरा का पूरा सावन वाला गेटअप ले लिया है। सावन के महीना चल रहा है तो मैंने ये हरी सी साड़ी पहनी हुई है और ये हरी हरी सी चूड़ियाँ पहनी हुई है। और मैंने ना मतलब मैंने कुछ जब भी ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ है, सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक लगाई है और आईलाइनर लगाया, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया। और साड़ी पहनो ना तो फिर ये सारी चीज़ें कर लो ना तो वैसे ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप किया। और आज मैं ना अपना ब्लॉग अपनी बालकनी से स्टार्ट करी क्योंकि पीछे ना बहुत प्यारा सा ग्रीनरी सा व्यू आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत यहीं से की जाए। और ये सावन का जो पावन महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों की जो जो भी विश होना शिव जी सबकी विश पूरी कर दे। तो चलो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए पूजा कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है पूजा करने का। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर मतलब फिर तो दिन भर बहुत सारी बातें करनी, तो पहले तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा। तो मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। जितना कुछ सामान मुझे पूजा में लगने वाला था ना वो सबका सब मैं लेकर आ गई हूँ। तो मैंने घर तो पूरा साफ कर दिया था, झाड़ू पोछा तो मतलब मैंने सुबह ही कर दिया था, बट अभी क्या है ना कि मंदिर मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी ना। तो फिर मैं सोची कि चलो मंदिर जब मैं नहा लूँगी ना उसके बाद ही साफ करूँगी। तो मैंने सारे भगवानों को भी यहाँ पर नहला दिया हुआ है और दोनों अलग अलग बर्तनों में मैंने भगवान को नहलाया हुआ है क्योंकि शिव जी को अलग बर्तन में नहलाते हैं, बाकी भगवानों को अलग बर्तन में। कहते हैं ना कि शिव जी को बाकी भगवानों के साथ नहीं स्नान कराना चाहिए, तो वही मतलब आप में से किसी का कमेंट आया तो ही मुझे पता चला, नहीं तो इससे पहले मुझे नहीं पता था। और आज ना मेरे पास बहुत सारे फ्लावर और बहुत सारे बेलपत्र भी हैं, धतूरा भी, क्योंकि पास में ही पेड़ है ना, मतलब मैं मल्टी के नीचे गिरे तो बहुत बड़ा पेड़ था तो मैं वहीं से सारे के सारे ना बेलपत्र धतूरा तोड़ कर लेकर आ गई। तो अच्छा लग रहा था कि इतने सारे बेलपत्र और भगवान की मनपसंद चीज़ मुझे मिल गई आज इतनी सारी, तो मुझे और ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई और मैंने थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया हुआ है क्योंकि अगर पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना तो इतना कुछ शूट करती ना तो पूरा ब्लॉग इसी में निकल जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर जल भी चढ़ा दिया हुआ है तुलसी जी में, मेरी पूजा हो गई है। मैंने तुलसी जी में जल भी चढ़ा दिया हुआ, मैं पूजा नहीं की हुई थी ना तो मैंने दूध भी नहीं पिया हुआ था। तो चलो अभी मैं दूध भी गर्म रख देती हूँ तो दूध भी गर्म हो जाएगा और फिर मैं इसको पी लूँगी। और मैंने ना बाहर रखा हुआ है पेपर सूखने के लिए क्योंकि सुबह से ना पेपर भी नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि पेपर ना आज पूरा का पूरा गीला हो गया था, क्योंकि वैसे तो भैया ना यहाँ लगा के जाते हैं पेपर, बट आज पेपर गिर गया क्या हुआ तो पूरा का पूरा पेपर गीला हो गया। तो मैं सोची कि रख देती हूँ थोड़ी देर, ये सूख जाएगा ना तो फिर पढ़ने लायक हो जाएगा। बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश आने लगी तो जितने भी सूखे कपड़े थे ना वो मैं सारे के सारे लेकर आ गई और उनको मैंने गिड़ी बना के रख दिया हुआ है। और अभी मैं आप लोगों को अपना फुल लुक भी दिखा देती हूँ। तो आज मैंने पूरा का पूरा सावन वाला गेटअप लेके रखा हुआ है, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी बिंदी। तो कैसा लग रहा है मेरा सावन वाला लुक? और ग्रीन कलर बहुत शुभ माना जाता है सावन में पहनना, तो मैंने भी पहन लिया है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बनाने जा रही थी साबुदाना। तो मैंने ना जो बारीक वाले साबुदाना आते हैं वो और जो बड़े वाले आते हैं ना वो दोनों ही मैंने मिक्स कर दिए। और देखो थोड़े से डाले थे कितने सारे हो गए, तो मैंने एक कटोरी डाली थी पर बहुत सारे हो गए, तो मैं ही सोच रही हूँ इतने सारे खाएगा कौन। चलो बनाते हैं खिचड़ी। गरम सी खिचड़ी और थोड़े से ना साबुदाना बच गए हैं तो मैंने इसको भी रख दिया हुआ है, इसको भी रख दूंगी फ्रिज में और कल मन करेगा तो फिर कल बना लूंगी, नहीं तो फिर खीर वगैरह तो उसकी बना ही सकते हैं। और अभी मौसम बाहर ना धूप वाला हो गया है तो चलो गर्मा गर्म सी खिचड़ी खा लेते हैं। तो हमारी खिचड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है और खिचड़ी में ना साबुदाना कम दिख रहे होंगे, मूंगफली ज़्यादा दिख रही है, हम लोगों को ऐसी खिचड़ी पसंद है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम भी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, 4 या 4:30 ही बज रहे हो और ना बाहर बारिश आ गई है। तो ये देखा हूँ आप लोगों को, देखो बहुत तेज ना बारिश एकदम से आ गई है, मतलब
अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक धूप निकल रही थी, बट एकदम से ना बारिश आ गई, और वैसे भी पूरा सावन मंथ तो ऐसे ही जाने वाला है, कभी कुछ बारिश वाला मौसम होगा तो कभी धूप वाला मौसम होगा, तो ऐसे ही चलने वाला है। तो पहला सावन है तो बारिश तो गिरना बनता है। अभी आ गई हूँ मैं अपनी गैलरी में, बाहर वाली गैलरी में, और यहाँ पे ना इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो नीचे ना सब लोग घूमते रहते हैं ना, तो फिर यहाँ पे भी ऐसे मैं ऊपर ही घूमती रहती हूँ, नीचे नहीं जाती, क्योंकि ना बहुत पानी भर जाता है तो फिर मुझे कच कच लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं ना यहीं पर घूमती रहती हूँ, और मैंने ना साड़ी चेंज कर दी हुई है, दिन भर से डाली हुई थी, तो फिर मुझे ना थोड़ी सी उलझन सी होने लगी थी, क्योंकि ऐसे साड़ी डेली पहनती नहीं हूँ ना, तो फिर थोड़ी सी उलझन लग रही थी, तो फिर मैंने निकाल दी उसको, और मैंने ये कुर्ता डाल लिया हुआ, और मैंने बैंगल्स नहीं निकाली क्योंकि बैंगल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से मैं पहन ही रही हूँ। मुझे तो बैंगल्स का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है, जब मैं मैरिड नहीं थी ना तब भी मतलब मेरे पास बहुत सारे बैंगल का कलेक्शन है, अब तो मैं मैरिड हूँ तो और ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर घूम लेती हूँ, इसके बाद चलेंगे अंदर और फिर पूजा करेंगे और फिर खाना बना लेते हैं, और देखते अभी मंदिर जाने का क्या सीन है। अभी क्योंकि पानी अभी रुका है ना, तो देखते अभी अगर अभी जाने का मन किया तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर मंदिर दूर है ना यहाँ से, फिर जाएंगे और बारिश चालू होगी तो फिर रिटर्न कैसे आऊँगी। ये है क्योंकि फोर व्हीलर अभी यहाँ पर नहीं है, फोर व्हीलर कहीं और है, और एक्टिवा है, तो एक्टिवा से जाएंगे तो फिर गीले हो जाएंगे रिटर्न आने में, और फिर अभी ना हनी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो फिर इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि अगर मौसम मुझे ठीक लगा तो ही जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, फिर घर पे ही पूजा कर लेंगे। भगवान तो सभी जगह होते, घर में मंदिर में सभी जगह होते। तो चलो अभी, तो अभी शाम की पूजा भी मेरी हो गई है, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेकर आना है दही, क्योंकि घर में दही नहीं है, तो थोड़ा सा रखा हुआ है, पर मुझे बनानी है कढ़ी, तो फिर वो कढ़ी नहीं बन पाएगी, तो सोच रही हूँ कि दही लेकर आ जाऊँ। और मेरी चुन्नी कितनी अच्छी लग रही है ना जिससे डाली हुई है, तो चलो अभी चलते हैं मार्केट, और उधर से ही मंदिर भी चले जाएंगे, दर्शन भी करके आ जाऊंगी, और फिर दही लाना है तो दही भी लेकर आ जाऊंगी। तो चलो फटाफट से चलते हैं। मैं ना काफ़ी देर पहले ही आ गई थी मंदिर से, और मैंने ना यहाँ पे पकौड़ी भी बना के रख ली हुई, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो कढ़ी ना मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली, तो ये रही गर्मा गर्म सी पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी हैं, और ये मैं दही भी लेकर आ गई हूँ मार्केट से, कभी मुझे इसको फेंक। तो चलिए कढ़ी बना लेते हैं, तो कढ़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो गई, उसमें ऑयल डाला वो भी गर्म हो गया, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, राई और हींग, और खूब सारा कढ़ी पत्ता, कढ़ी बना रहा उसमें कढ़ी पत्ता नहीं डाला तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, और इसमें जो कट करके रखी थी वो प्याज भी डाल दी हुई है, साथ ही साथ मैंने इसमें हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी डाल दिया, अच्छे से सब भुन गया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, उन सबको अच्छे से सौते कर लूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच बेसन, और हम इसको अच्छे से ना सौते होने दूँगी सारे मसाले के साथ ना, बेसन को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाएगी जब तक इसको भुनने दूँगी मैं। और जो मैं दही लेकर आई थी ना, मैं उसको पानी डाल के अच्छे से फेंट लेती हूँ, पहले मैं बिना पानी डाले फेंट रही हूँ, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, जितना भी मुझे ज़रूरत होगी कढ़ी में डालने, कढ़ी जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना, क्योंकि कढ़ी को अभी पकाऊंगी भी ना तो कम भी हो जाएगा। तो मैंने खूब सारा पानी डाल के अच्छे से फेंट लिया हुआ है दही को, और जब बेसन अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है दही जो फेंट करके रखा था मैंने, वो तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और इसको अच्छे से पकाऊंगी। बहुत ही अच्छा आ गया, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब मुझे ना हमेशा से दही की कढ़ी अच्छी लगती है, इतनी खट्टी खट्टी से खुशबू आ रही है, मतलब खाने में मजे आ जाने वाले। तो अभी थोड़ी सी और पक जाए इसके बाद मैं डाल दूंगी इसको, और ना जब तक कढ़ी खोल रही थी ना, और मेरे चावल का जो प्रेशर था ना वो भी निकल रहा था, तब तक मैंने बर्तन रखे थे ना वो भी मैंने सारे धुल दिए हैं, जब तक ऐसी चीजें मतलब बनाओ ना और ये कुछ बनता रहता ना, जब तक मैं जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उनको भी निपटाती जा रही, ताकि खाने के बाद फिर ज्यादा बर्डन ना रहे, क्योंकि खाने के बाद ऐसा होता है ना कि घूमना भी होता है, थोड़ा मोबाइल भी चलाना होता है ना इसी वजह से। तो बस मेरी कढ़ी यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई, तो हम दोनों को ही ना मतलब दही की जो कढ़ी है ना वो बहुत अच्छी थी, और स्पेशली ना हम लोग बनाते ही कढ़ी इसलिए कि हमको पकौड़े वाली कढ़ी खानी होती है। सिंपल कढ़ी मतलब पहले बहुत अच्छी लगती है, बट जब से पकौड़े वाली कढ़ी खाने लगे ना तब से पकौड़े वाली ही कढ़ी बहुत पसंद आने लगी हम लोग दोनों को ही। और जब ऐसा फास्ट वगैरह होता है तो हम दोनों ट्राई करते हैं कि मतलब
ऐसे ही कुछ चटपटा सा बनाए तो अच्छा लगता है और थोड़ा सा लाइट फूड भी रहता है तो खाने में। तो यहाँ पर कड़ी बन के रेडी हो चुकी है, जितनी भी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना तो वो मैंने उसको डाल देती हूँ और एक आध खोल ले लूँगी, इसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो जब फास्ट होता है ना तो कुछ इस तरह का चटपटा खाना मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को भी बंद कर दिया हो और थाली में मैंने चावल निकाली हैं गर्मा गर्म और कड़ी भी मैं निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म। देखो एकदम ना धुआं निकल ही रहा है, इतनी गर्मा गर्म ही कड़ी खाने वाले हैं हम लोग। तो चलो अभी मैं इस वाले वीडियो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो। बाय बाय, टेक।